हाँ तो यूट्यूबर्स के आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन मोनेटाइजेशन से यार अर्निंग ही नहीं होता है, तो सैड क्यों हो रहे हो। इस वीडियो पर मैं यूट्यूब का एक बिगेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा जिसमें सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। हाँ, अभी तक यूट्यूब से मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग जो अमेजन या फ्लिपकार्ट का आप लोग डिस्क्रिप्शन पर डालते हो उसमें से जितना हो सका उतना ही अर्निंग कर पाते हो। लेकिन अब यूट्यूब ने एक नया अपडेट लाया है, एक नया प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेट किया है जहां पर वीडियो के चलते चलते कहीं भी आप लोग प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हो, व्यूअर्स उस पर क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और उसका पैसा डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, कोई झूठ झमेला ही नहीं है। तो टॉपिक आगे बढ़ने से पहले, चैनल में नए आए हैं तो नीचे में सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जो सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो अपलोड होते ही आप तक मैसेज चला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube ने आखिर इतना बिगेस्ट अपडेट क्या क्या है। तो जैसे ही हम लोग क्रोम के YT स्टूडियो पर चलते हैं, उसके बाद अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर शॉपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद उसके नीचे मिल जाता है आपको कनेक्ट शॉप का, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले तो हम लोगों को सिर्फ दो ही ऑप्शन, यहाँ पर स्प्रिट शॉप और नीचे में स्प्रिंग का ऑप्शन है, ये दोनों आप लोगों को शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, दोनों में आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते थे क्योंकि कुछ दिन पहले सबके जितने भी क्रिएटर्स थे मिनिमम क्रिएटर्स के पास व्यू प्रोडक्ट बोल के ऑप्शन आ रहा था वीडियो के बीच में। लेकिन अब नया ऑप्शन वही व्यू प्रोडक्ट का एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड किया है Shopify, जो एक US का कंपनी है। जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजन एप्लीकेशन शॉपिंग के मामले में ज्यादा वायरल है, वैसे ही US में Shopify एप्लीकेशन और वेबसाइट ज्यादा वायरल है शॉपिंग के मामले में। तो YouTube ने इन कंपनी के साथ कोलैबोरेटेड किया। YouTube हमेशा क्रिएटर का अर्निंग को बढ़ाने के लिए नए नए अपडेट लाते रहते हैं, तो ये भी अपडेट आपके अर्निंग को बढ़ाने के लिए ही किए हैं। अब बात आता है कि Shopify के प्रोडक्ट से आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, तो देखो तीन तरीके से हम लोग वीडियो पे लगा सकते हैं। एक डायरेक्टली हम लोग वीडियो के कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब व्यू प्रोडक्ट बोल के वीडियो में डायरेक्टली शो होगा। उसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो फोटो देके, आप खुद ब खुद प्राइस सेट कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे जैसे स्लाइड करेंगे उस हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में शो होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर का कभी कभार शो होता है, तो ऐसे इससे आप लोग शो कर सकते हो। और जब आप अपने YouTube वीडियो के एंड स्क्रीन लगाते हो, लास्ट में एंड स्क्रीन लगाते हो, अगर नहीं लगाते हो तो अलग बात है, तो एंड स्क्रीन में भी आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। और आई बटन का मुझे पता नहीं है लेकिन होना चाहिए, आई बटन में भी आप शायद लिंक को ऐड कर सकते हो, वहाँ पे भी लिंक ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो शायद आई बटन में भी आप लोग प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो और बता सकते हो कि हम लोगों का किसी भी चीज़ मान लेते हैं, जैसे ये कुर्सी में मैंने जिस कुर्सी में बैठा है इसको मैंने अगर व्यूवर्स को बोलना होगा तो मुझे क्या बोलना है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी आप लोग स्क्रीन में मिल जाएगा, या लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, या आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये चेयर को खरीदने के लिए आप उसमें डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, डायरेक्टली खरीद सकते हो। Shopify में कैसे अकाउंट बनाना है इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो अभी लाऊंगा, लेकिन Shopify में जितने भी अर्निंग होगा, अभी 15 दिन आप फ्री में अर्निंग कर सकते हो, लेकिन 15 दिन के बाद अभी Shopify का एक बोल सकते हो ऑफर चल रहा है, 15 दिन के बाद अभी ट्रायल कर सकते हो 15 दिन, उसके बाद जब आप लोग 15 दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को Shopify को कुछ चार्ज देना होगा, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा उसका चार्ज देना होगा। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट अगर लेता है तो उसका कुछ चार्ज रहेगा 6% 10% वैसा चार्ज रहेगा, उसको आप लोगों को पे करना होगा। YouTube इसमें आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं लेगा, लेकिन Shopify कंपनी आपको चार्ज लेगा। अगर आप भी अपने YT स्टूडियो पर देख रहे हो कि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन होने के बाद ही ये ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। अगर मोनेटाइजेशन होने के बाद भी आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो कुछ दिन वेट कीजिए, क्योंकि अभी किसी किसी को ये ऑप्शन मिल रहा है, ज्यादातर क्रिएटर को अभी नहीं मिला है, तो कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे जैसे दिन जाएगा आपको भी ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉपिंग करने का ऑप्शन, उसके बाद कनेक्ट शॉप और आप लोग ये Shopify में अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। तो आप ज्यादा अर्निंग करने के लिए रेडी रहना, क्योंकि YouTube को पता है कि यार क्रिएटर को अर्निंग की बहुत जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग अर्निंग की ओर थोड़ा सा मदद ही कर देते हैं। तो अब आप लोग अगर अच्छे से वीडियो नहीं बनाते तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए, अगर रिव्यू नहीं करते थे तो रिव्यू कीजिए, क्योंकि अब आपको वो प्रोडक्ट भी बाय होने वाला है और आपको अर्निंग होने वाला है। वीडियो के इतना तक देख रहे हो मतलब वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम मिल रहा है, और भी मुझसे बातचीत करने के लिए यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग एक नया क्रिएटर है तो ऊपर वाला वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि YouTube का एक नया सेटिंग आया है जिसको ऑन करना चाहिए, वरना आपको स्ट्राइक या आपका चैनल डिलीट हो सकता है। नीचे में आप लोगों को मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया था जानने के लिए ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।